आठवीं कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के इस कार्यक्रम में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, पिछले अवधियों में हमने बंदरवाट नामक कविता के बारे में चर्चा की थी, उसके बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम लोग बंदरवाट नामक कविता के अभ्यास के बारे में, प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, चर्चा करने से पहले बंदरवाट नामक कविता में आने वाले कुछ शब्दार्थ के और हम नजर डालेंगे। तो आप सभी देख रहे हैं आपके मोबाइल के पर्दे पर पाठ 7 बंदरवाट पाठ में आने वाले कुछ शब्दार्थ निम्नलिखित इस तरह से दिया गया है। अकड़, अकड़ यानी घमंड करना, अकड़ दिखाना, तराजू तोलने का साधन, तकड़न करितला, अड़ना, अड़ना यानी रुकना, पलड़ा, तराजू के प्रत्येक हिस्सा या प्रत्येक भाग भी कह सकते हैं, शेष यानी बचा हुआ, रिमेनिंग ओलिदंतो, मजदूरी परिश्रम के बदले दिया जाने वाला धन, क्लियर है, परिश्रम के बदले दिया जाने वाला धन, धरना यानी रखना, धरना यानी रखना, कामना इच्छा, हाँ करला, गवाना खोना अथवा कड़ेकू, टुकड़ा भाग तुंडरसू। तो बच्चों, ये जो है पाठ में आने वाले कुछ शब्दार्थ, सही है। तो मैं आप लोगों को प्रश्नों के और ले चलता हूँ। आप लोगों को ना समझ में है, आपके घर में किताब होंगे, थोड़ा सा शब्दार्थ देख लेने की कोशिश करें, ठीक है। तो आगे बढ़ूंगा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट वन, बिल्ली क्या लेकर आई, बताओ, देखेंगे बिल्ली क्या लेकर आई, बिल्ली रोटी लेकर आई, बिल्ली रोटी लेकर आई, ध्यान से सुनो। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न, दूसरी बिल्ली ने क्या दिखाई, दूसरी बिल्ली ने क्या दिखाई, इसका उत्तर है दूसरी बिल्ली ने कुछ अकड़ दिखाई, दूसरी बिल्ली ने कुछ अकड़ दिखाई। तो बच्चों, विश्वास करता हूँ कि आप सभी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्लियर है। आपको थर्ड प्रश्न के तरफ आपको ले चलूंगा। थर्ड प्रश्न जो है, बंदर क्या लेकर आया, बंदर क्या लेकर आया, बंदर तराजू लेकर आया, बंदर तराजू लेकर आया। प्रश्न 4, बिल्लियों को क्या मिला, इसका जवाब है बिल्लियों को कुछ भी न मिला, बिल्लियों को कुछ भी न मिला, झगड़े के बदले सब कुछ गवा बैठे। तो बच्चों, विश्वास करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, उसका उत्तर आपके मोबाइल के पर्दे पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप लोगों को अगले चलूंगा, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, सही है। आप सभी देख रहे हैं कि 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए।
तो पहला वन, बंदर ने रोटी का बंटवारा कैसे किया। बंदर आता है, बंदर आने के पश्चात दोनों बिल्ली आपस में झगड़ते रहते हैं, तब बंदर अपना दिमाग चलाकर किस तरह से रोटी को दो हिस्से में बांट देता है, वो आपको क्या करना है, आपके शब्दों में लिखना है। उसका जवाब आपके मोबाइल के पर्दे पर आ रहा है, देखकर समझकर अपने क्लासवर्क में लिखने की कोशिश करें। उसका जवाब है, बंदर न्याय दिलाने तराजू लाया और रोटी के दो टुकड़े करके दोनों पलड़ों पर रख दिया। जिस पलड़े ज़्यादा अधिक दिखाई देता है, उस पलड़े के भाग को रोटी के टुकड़े को खाने लगा। इस तरह करते करते रोटी का बचा हुआ छोटा टुकड़ा भी खा लिया। बिल्लियों को खाने के लिए कुछ भी नहीं रखा। इस तरह से रोटी बंटवारा बंदर ने किया। तो बच्चों, ये गौर से सुनकर लिखने की कोशिश करें। मैं आप लोगों को दूसरे प्रश्न की तरफ ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर दो, आप इस पाठ से क्या सीखते हैं, इस पाठ से क्या संदेश मिलती है। इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में झगड़ना नहीं चाहिए, हमें कभी भी जीवन में किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर आपस में झगड़ते रहेंगे तो इसका लाभ तीसरे व्यक्ति उठा सकते हैं। क्लियर है? इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में झगड़ना नहीं चाहिए, आपस में मिलकर झगड़े का निपटारा करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, वरना दो लोगों के झगड़े में तीसरे व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। तो बच्चों, मैं आपको आगे के प्रश्न की तरफ ले चलता हूँ। तो यहाँ पर कुछ खाने के चीज़ें दिए गए हैं, आपको कौन कौन से पकवान पसंद हैं, उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पता कीजिए और उसका सूची बनाइए। अगर आपको आपका मनपसंद कौन सा भी खाना है, स्वादिष्ट है, तो आप उस खाने को कैसे तैयार करते हैं, तैयार करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, वो पूरे क्या करना है आपको लिखना है। उदाहरण के लिए एक ऊपर बता रहा हूँ कि एक विद्यार्थी को या एक विद्यार्थिनी को पुलाव बहुत ही पसंद है। सही है, पुलाव बहुत ही पसंद है। तो पुलाव बनाने के लिए उसने एक सूची बनाई है क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे कि चावल होना, दही, गाजर, काजू, ककड़ी, धनिया, लहसुन, मिर्च, प्याज, सौंठ आदि अनेक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जो जिसे मालूम है आप कौन सा भी पसंद का खाने का स्वादिष्ट चीज़ क्यों ना हो, उसके बारे में आप यहाँ पर लिखने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं आगे आपको ले चलता हूँ आगे प्रश्न की तरफ। भावार्थ लिखिए। सही है, बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वह अड़ा, बोला झगड़ा करना ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है। इसका अर्थ आपको लिखना है, इसका भावार्थ आपको लिखना है। तो यहाँ पर उसके नीचे में लिखने की कोशिश किया हूँ। इन पंक्तियों को बंदर के बाट नामक कविता से चुना है, यानी लिया गया है। चालक बंदर ने दो बिल्लियों को रोटी के लिए लड़ते हुए देखा। बंदर ने दो बिल्लियां आपस में
अलड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, यह बंदर देखा तो वह तराजू लेकर वह आ पहुंचा। तराजू लेकर वह आ पहुंचा। बंदर पूरी रोटी को स्वयं ही खाना चाहता था। बंदर का उद्देश्य था कि रोटी को हड़प लेना है, खुद खा लेना है। उसका इच्छा था कि बंदर रोटी खा लेना। इसलिए बिल्लियों को बोला, समझाया, क्या करके झगड़ा करने से किसी को भी किसी तरह के लाभ नहीं होता, बल्कि जो खाना है बांट कर जो खाते हैं वो सही है। इस तरह से इसका भावार्थ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि बच्चों, जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। इन पंक्तियों को बंदर की वाट कविता से चुना गया है। चालाक बंदर ने दो बिल्लियों को रोटी के लिए लड़ते देखा, वह तराजू लेकर आ पहुंचा। बंदर पूरी रोटी को स्वयं ही खाना चाहता था, इसलिए बिल्लियों से बोला, झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं है, दोनों को बांट कर खाने की जो बात बिल्कुल सही है। तो बच्चों, में आप लोगों को अगले प्रश्न की तरफ ले चलूंगा। यहाँ पर नमूने के अनुसार कविता में आने वाले प्रयुक्त तुक वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। उदाहरण के लिए आई लाई, इस तरह से यानी राइमिंग वर्ड्स, सही है। रोटी खोटी, दूसरा पहला वन रोटी खोटी, उदाहरण के तौर पर दिए गए आई लाई, वैसे रोटी खोटी राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तुक वाले यानी राइमिंग वर्ड्स, दे दे ले ले, दे दे ले ले, नहीं सही, करके धर के, खाया चबाया, जब अब, दूरे पूरे, आया गया, कौन सा जवाब लिख सकते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्द के अलावा आप आपके नॉलेज के मुताबिक आप चाहे दूसरे कौन से भी शब्द को लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को मैं आगे प्रश्न की तरफ ले चलने की कोशिश करूँगा। इसमें आपको कौन कौन से चीज खाना पसंद है और कौन सी चीज खाना पसंद नहीं है, आपको तीन कॉलम करना है। पहला कॉलम चीज़ों के नाम लिखना, मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद नहीं है। जो पसंद है, जो चीज़ है खाने की, अगर उस पर वह आपको ज़्यादा पसंद है तो आप पसंद की जगह पर क्या करो, कॉलम में सही मार्क डालो। अगर पसंद नहीं है तो आप उस पसंद नहीं कॉलम में क्या करो, रॉन्ग संकेत डालने की कोशिश करें। तो पहला वन जलेबी, ये तो सबका पसंद ही है, तो पसंद है, मुझे पसंद नहीं करके मन डालो, पसंद मुझे पसंद। मिठाई, कुछ लोग ज़्यादा मिठाइयाँ खाते रहते हैं, जब उन्हें पसंद रहा तो पसंद डालो, ना पसंद है तो मत डालो। लड्डू, पसंद है तो पसंद। जहांगीर, पसंद है तो पसंद। डोसा, पसंद है तभी पसंद, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद। जो आपका खाने की जो चीज़ आपको कौन सा पसंद है, अगर यहाँ पर है तो लिखो, सही है। कौन कौन से आपको स्वादिष्ट खाना है वो लिखने की कोशिश करें, ठीक है। जो आपको खाना अच्छा लगता है वो लिखने की, इडली, कुछ लोगों को इडली बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पसंद है करके लिखो। कुल मिलाकर आप जो भी खाना पसंद करते हैं, कौन सा पसंद नहीं करते हैं, आपका मन चाहे जो खाना पसंद है या ना पसंद है, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र करो और लिखने की कोशिश करो। मैं आप लोगों को आगे प्रश्न की तरफ ले चलता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो,
बिल्लियों का आवाज रहेगा मियाओ मियाओ, सही है। इसी तरह से कुछ जानवर हैं, उनके कुछ भाषाएं हैं, आप उनके भाषाओं को, उनकी आवाज़ों को क्या करना है, लिखना है। तो उदाहरण के लिए मैंने बताया कुत्ता, यानी कुत्ते का आवाज़ है भौंकना, भौंकता रहता कुत्ता, सही है, उसका आवाज़ क्या है भौंकना। तो वैसे ही उसकी बोली। जानवर, यहाँ पर जानवर कलिश दिया गया है, उनके बोलियाँ दिया गया है, बोलियाँ दिया गया है, आप जोड़ कर लिखना है घोड़े की आवाज़ कैसा होगा, घोड़ा हिन हिनाना, इसका उत्तर क्या है, घोड़े का आवाज़ हिन हिनाना। हाथी, हाथी जो है रेंगता है, रेंगना, हाथी रेंगना। बकरे मिमियाना, बकरे मिमियाना। शेर गरजता है, गरजना, शेर गरजना। गधा चिंगाड़ना, गधा चिंगाड़ना। गाय रंभाना, गाय रंभाना। कुत्ता भौंकना, कुत्ता भौंकना। क्लियर है? तो विश्वास करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। अगर आपको ना समझ में, तो आपके पास किताब है, किताब देकर लिखने की कोशिश करें, तो मैं आप लोगों को आगे की तरफ ले चलूँगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो, नाप तोल, सही है। आप जानते हैं कि बिल्ली दूध पीती है, लेकिन क्या आपको पता है उस दूध को कैसे मापा जाता है, कैसे तोला जाता है, लीटर से या मीटर से, सही है। अलग अलग चीज़ों को अलग अलग मापने तोलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ों को दिया गया है, आप उन चीज़ों के जरिए यह मालूम कर लेना है कि कौन कौन से चीज़ों को कौन किस किस से मापा जाता है या तोला जाता है, सही है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, तेल को लीटर से, सही है, तेल को लीटर से मापा जाता है। कपड़े को मीटर से, कपड़े को मीटर से। आम को किलो से, तराजू है, तराजू नहीं तकड़ी, तकड़ी उत्तर तोका मारता किलो से। अनाज को किलो से, थोड़ा चेंज कर लो यहाँ पर, थोड़ा वहाँ तराजू लेके तराजू के बदलों में आप लिखो किलो से, किलो से, सही है। सीमेंट को किलो से, सही है, सीमेंट को भी किलो से। अंगूर को किलो से, सही है, थोड़ा सा गलती हुई है, यू हैव टू राइट किलो किलो किलो, ठीक है। अनाज, आम, सीमेंट, अंगूर, पूरे क्या करो, यू हैव टू राइट किलो से, ठीक है। मैं आप लोगों को आगे प्रश्नों की तरफ ले चलूंगा। तो यहां पर तेज चलने वाले जानवरों के नीचे तेज, धीरे धीरे चलने वाले जानवरों के नीचे धीरे धीरे करके लिखना है। तो यहां पर तेज खरगोश, शेर, हिरन, घोड़ा, धीरे धीरे हाथी, खरगोश भी थोड़ा तेज ही भागता है, सही है, इसलिए क्या है, तेज चलने वाले जानवर और धीरे धीरे चलने वाले जानवरों की सूची आपको बनाना है। तो यहाँ पर खरगोश तेज, शेर तेज, हिरन तेज, घोड़ा तेज और धीरे धीरे हाथी। तो बच्चों मैं विश्वास करूँगा कि लगातार ये 20 मिनट तक आप लोगों को इसके बारे में, बंदरबांट नामक कविता के बारे में, हमने प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा की है। आप सभी
इस श्रव्य दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के इस कार्यक्रम को आप घर में बैठे हुए आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। अगले अवधि में हम क्या करेंगे, इसके अगला भाग को क्या करेंगे, देखेंगे। धन्यवाद।